तो आओ चलो आपको दिखाते हैं मेरा अपना मॉन्स्टर। तू यू फ्रेश ना मलबारे में ताकि दुखा और शाओ कुछ भी कुछ भी। चलो आपको दिखाते हैं मेरा अपना मॉन्स्टर। तो हाय फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब? आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रांची ब्लॉगर शिवांग। गाइस, तो मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का प्यारा होस्ट शिवांग। दोस्तों, आज कोई संडे राइड नहीं हुआ। आज संडे है बेसिकली, पर आज है रक्षाबंधन का त्यौहार, इसलिए कोई संडे राइड नहीं हुआ। बिकॉज ज़्यादा लोग नहीं आते, इसलिए हमने संडे राइड नहीं रखा। तो आज बेसिकली मैं आपको बताने वाला हूँ अपने मॉन्स्टर के बारे में, जिसने अराउंड अभी तक कवर किया है लगभग 1000 किलोमीटर। और ये उसने सिर्फ किया है 12 संडेज में, और पूरा 12 संडेज भी वो लोग उसने नहीं लिया। मतलब तो बेसिकली आज मैं शूट कर रहा हूँ अपने घर के पास ही, और थोड़ा सा हालत ख़राब है बिकॉज सुबह को तो नहाए धोए और रक्षाबंधन का पर्व मनाए उसके बाद, लेकिन बाल अपना। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ अपना मॉन्स्टर। मॉन्स्टर इसलिए बिकॉज इतने किलोमीटर चलने के बाद, यानी अराउंड जो सुपर बाइक्स यहाँ पे होती है ना, इतने किलोमीटर चलने के बाद उसमें पता नहीं कितना खर्चा मांगता है, लेकिन इसने थोड़े से खर्चे में मुझे ट्रेवल कराया है 925 किलोमीटर जस्ट 12 संडेज में। तो आओ तो आपको दिखाते हैं मेरा अपना मॉन्स्टर। तू ये रहा। मौजूद है मेरा खुद का, यानी मैं इसका मालिक, एवन सुनामी, जिसको मैंने कस्टम कराया था साल 2019 में। बेसिकली ये मेरा सबसे पुराना साइकिल है और सबसे पहला भी। इसको मैंने 2014 में खरीदा था और इसमें कुछ भी नहीं था, लेकिन 2019 में मैंने इसमें लगाया एक गियर, जो कि मैंने लगवाया था अपर बाजार से। तो जैसा कि देख सकते हो इधर, मैं कैमरा मैन आपको दिखाने की कोशिश करेगा, पीछे मैंने गियर लगवाया है वहां पे। तो ये जो मॉडल है ना, ये बेसिकली सिंपल आता है, इसमें कुछ भी गियर वेयर नहीं होता है। तो मैंने इसे आफ्टर मार्केट कस्टम कराया और इसमें गियर लगवाया। तो ये 6th मैनुअल ट्रांसमिशन गियर है, जो कि अगर हम लोग बाइक और कार से कंपेरिजन करें तो 6th गियर मैनुअल ट्रांसमिशन है। और साथ ही में इसमें कुछ ज़्यादा कस्टमाइजेशन मैंने नहीं कराया है बिकॉज अभी पैसे नहीं है। यूट्यूब से अर्निंग चालू हो गई, इसके बाद इसमें काफ़ी ज़्यादा मॉडिफिकेशन करना है। और ये है एवन का सुनामी, जिसको मैंने 2014 में लिया था, और इसे मैं प्यार से निंजा 700 भी बुलाता हूँ बिकॉज इसका कलर, जिसका कलर आप देख रहे हो, डिटो निंजा जो बाइक होती है उसी के टाइप पैरट ग्रीन कलर में मौजूद है। और जितना किलोमीटर मैंने इसको चलाया है उसमें, ये अभी थोड़ा सा इसमें जो मोटा खर्चा है वो इसका टायर, फ्रंट टायर, जो कि ये इसका ओरिजिनल है। जब मैंने इसको खरीदा था तभी ये मुझे मिला था इसके साथ ही, जो कि अभी पूरा ख़त्म हो चुका है। मतलब इसका जो ग्रिप है वो पूरा ख़त्म हो रहा है, पूरी तरह से ये ख़त्म हो चुका है, मतलब 920 किलोमीटर चलने के बाद। तो मुझे बेसिकली इसको चेंज करना है। और इसका पिछला टायर एक बार बीच रास्ते में उड़ चुका था, जब मैं और मेरा एक दोस्त रास्ते पे निकले थे घूमने के लिए, और अचानक टायर करता है बूम, और हम लोग मरते मरते बचे थे ऑलमोस्ट। तो काफ़ी बढ़िया साइकिल है, और इतना में जितना में हम लोग 900-950 किलोमीटर घूम के आए। अगर एक बाइक से आप अगर घूमने जाओगे तो लगभग आपको अराउंड 2500-3000 रुपये का तेल का खर्चा गिरेगा, और इतना हम लोग खर्चा बचा लिए हैं लगभग 1-1.5 महीना में। और काफ़ी बढ़िया बढ़िया जगह हम लोग घूमने भी गए थे, जैसा कि आपने वीडियोस में देखा होगा हमारा बाइसाइकिल राइड वीडियोस। और आप लोगों में से जिन लोगों भी नहीं देखा है वो आप जाके देख सकते हो, मैं पूरी प्लेलिस्ट की पूरा प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो काफ़ी मस्त साइकिल है, और साथ ही में मैंने यहाँ पे ये देख सकते हो एक कैमरा होल्डर लगा रखा है, जो कि मेरा एक्शन कैमरा का होल्ड है, जैसा कि मैंने आपको कुछ वीडियोस में इसका भी फुटेज आपको दिखाया। तो काफ़ी बढ़िया साइकिल यार, और अभी तक काफ़ी कम खर्चा में हम लोगों ने काफ़ी लंबा लंबा टूर किया, तो काफ़ी मस्त लगता है, और आगे भी इससे टूर करेंगे। और फिलहाल अभी ये थोड़ा सा गंदा है। तो दोस्तों, ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपको देना था, और आपको मोटिवेट भी करना था कि अभी देखो पेट्रोल की बढ़ती कीमतें को देखते हुए आप भी ऐसी हमारी तरह साइकिलिंग करो, और
मैं बोलता तो नहीं, लेकिन हमारे को देखने के बाद, मतलब मेरे और मेरे टीम मेंबर्स यानी हमारे दोस्त को देखने के बाद, बहुत सारे लोगों ने साइकिल राइड शुरू कर दिया है। मतलब बहुत जगह से हमें भी पूछा जा रहा है कि आप लोग कहाँ कहाँ जाते हो। फिर जहाँ जहाँ हम लोग भी गए वहाँ पर भी बहुत कोई जा रहे हैं बाईसाइकिल से, बहुत कोई बाइक से भी जा रहे हैं कार से भी, लेकिन बाईसाइकिल का ट्रेंड जो है ना, हो सकता है हम लोगों ने शुरू कर दिया, और आगे अगर ऐसा ही हम लोग करते रहे तो हो सकता है रांची शहर में बाईसाइकिल का ट्रेंड आ गया होगा। तो दोस्तों, ये छोटा सा कैसा लगा इंट्रोडक्शन वीडियो मेरे मॉन्स्टर के साथ, मॉन्स्टर जो देख रहे हो ना, प्योर मॉन्स्टर है ये, सॉरी उलट गया, मॉन्स्टर अभी चित हो चुका है, मॉन्स्टर सो रहा है। तो काफी अच्छा लगता है इसे चलाने के बाद, इसका जो थोड़ा सा मुझे तकलीफ दे लगता है वो है इसका सीट, जो कि मैंने थोड़ा सा गलत लगवाया, हाल ही में इसका सीट मैंने चेंज कराया था, बट वो थोड़ा सा गलत लग गया है जो कि मेरे को कंफर्टेबल नहीं है। तो मैं जल्दी इसका सीट फिर से चेंज करने वाला हूँ, बिकॉज हम लोग कहीं दूर लॉन्ग राइड का प्लान कर रहे हैं इसी से। तो जैसा भी होगा आपको सब चीज पता चलेगा, और ये छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो मेरे मॉन्स्टर के बारे में कैसा लगा जरूर बताएं। साल 2014 का सिंपल साइकिल जिसको अब लोग जानने लगे हैं मेरे वीडियोस के थ्रू, बिकॉज इसने कवर किया है अराउंड 1000 किलोमीटर सिर्फ 12 संडेज में, 12 दिनों में, और वो भी लगातार नहीं, हर एक वीकेंड के गैप के बाद, मतलब एक साथ लगातार 12 दिनों में इसने कवर नहीं किया है, तो काफी बढ़िया लगता है। तो चलिए इस सब के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, और वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक और कमेंट जरूर करना, सबके कमेंट का मैं रिप्लाई दूंगा और सबको देखता भी हूं। तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल और कमेंट जरूर करना इस वीडियो के नीचे। चलिए तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।